हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टी में कटौती के मुद्दे पर अंततः बीजेपी के दबाव में श्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज, जीतिया, छठ, होली, दिवाली इन सारे पर्वों की छुट्टियों में जो कटौती की थी, इसका इतना भारी विरोध हुआ कि अंततः कल उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा। नीतीश जी, अभी आपकी तो और फजीहत होना बाकी है। पाठक जी के कारण इसके पहले भी और विश्वविद्यालय के अंदर जो वीसीज की नियुक्ति का मामला था उसमें दो दो विज्ञापन निकला और अंततः मुख्यमंत्री को राजभवन जाकर घुटना टेकना पड़ा और अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। 4 ईयर डिग्री कोर्स के मामले में भी राजभवन और पाठक जी में जब टकराव हुआ उसमें भी सरकार को पीछे पांव खींचना पड़ा। इतना ही नहीं तो बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन रोकने का मामला हो या शिक्षा की स्वायत्तता में हस्तक्षेप का मामला हो, पाठक जी ने इतनी फजीहत करा दी है नीतीश कुमार की कि अब मुझे लगता है कि पाठक जी को अविलंब हटाइए। और पाठक जी की इतनी बेइज्जती के बाद भी क्या पाठक जी अपने पत्र बने रहेंगे? पाठक जी, आपके कम से कम आधे दर्जन आदेशों को सरकार की फजीहत के कारण वापस लेना पड़ा है। ये वही के पाठक हैं जिनको 2010 में, और जब देवानंद कुंवर बिहार के कुलपति थे, राज्यपाल थे, उस समय भी इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी और पाठक जी के तमाम आदेशों को वापस लेना पड़ा था और अंत में श्री के पाठक को नीतीश जी को हटाना पड़ा था। तो नीतीश जी, और फजीहत मत कराइए, अविलंब के पाठक को हटाइए, तभी आप फजीहत से बच पाएंगे।